जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। उज्जैन प्रभारी मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा ने आज चिंतामण गणेश मंदिर के पास स्थित महाकाल रिजॉर्ट परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय पंचायत सचिव संगठन के शपथ विधि समारोह में भाग लिया। समारोह में पंचायत सचिवों को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायत सचिव ग्रामीण क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। पंचायत सचिवों की समस्याओं पर शासन की नज़र है और वे स्वयं एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मिलकर इन समस्याओं को सुलझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में विधायक श्री महेश परमार, श्री मुरली मोरवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री करण कुमारिया, श्री मनोज राजानी, श्री रवि शुक्ला, श्री रवि भदौरिया, श्री अशोक भाटी, श्री जय सिंह दरबार, श्री हिमांशु जोशी, श्री सैयद मकसूद अली, जिला अध्यक्ष श्री कमल पटेल, श्री कमल किशोर त्रिवेदी, श्री साहिल खान सहित गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पंचायत सचिवों के संगठन का कार्यक्रम परिवार का कार्यक्रम है। उन्होंने पंचायत सचिवों से आह्वान किया कि वे अपनी कार्य पद्धति में परिवर्तन लाएं और आमजन की सेवा करें। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अब तक 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। द्वितीय चरण में 12.5 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और शीघ्र ही तीसरी सूची तैयार करके सभी किसानों का कर्ज माफ होगा। सम्मेलन में पंचायत सचिवों के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा ने मांग रखी कि पंचायत सचिवों का संविलियन शासकीय कर्मचारियों के रूप में किया जाए, उनका ड्रेस कोड निर्धारित किया जाए एवं पदोन्नति दी जाए। प्रभारी मंत्री ने कार्यक्रम के पश्चात चिंतामण गणेश मंदिर में जाकर भगवान गणेश का पूजन अर्चन किया। मैंने जैसा कि कहा कि हम लोग साफ अपने ढंग से रहने की बैठते हैं, ठोस काम करने की आदत है और जो कहते हैं वो वचन निभाने की आदत हम लोगों को है। मैं आज उसे पत्रकारों ने प्रश्न किया, बुरा मत मानना है, वो मेरे से रुकते नहीं बनता भैया, बुरा मत मानना। कोई किस दर से संबंध रहते हैं, कोई किससे प्रतिबद्धता रहती है। मेरे को एक छोटा सा प्रश्न भी, मैं सर्किट हाउस पर आया था, एक प्रश्न आया पत्रकारों ने पूछा था, भला चलिए आज मंदसौर जा रहे हैं आंदोलन करने किसानों को मुआवजा दिलाने, मैंने उनके राज्य में कभी 5 दिन में मुआवजा नहीं दर्ज किया। सर्वे होता है, टीम आती है, हमारी कोशिश रहती है जल्दी से जल्दी किसान को मुआवजा मिल जाए, लेकिन जिस धरती पर वो जा रहे हैं आंदोलन करने मंदसौर की, वहीं के किसानों की छाती पर गोली मारी गई थी। अब उन्हें तो कम से कम अधिकार नहीं है वहाँ पर जाकर आंदोलन करने, अपने गिरे वर्ग में झगड़ने का काम अच्छा लोग कम करते हैं। तो हम लोग तो झाँकते हैं, जब घर से निकलते हैं तो जो देख लेते हैं कि मामला है कि नहीं, कह रहे हैं तो ये कोई बात करो, सचिवों का मामला है, परिवार के लोग कमरेज कर आ रहे हैं। मुझे संत सम्मेलन में जाना है, भगवान से एक बार इंतजार करा लो, लेकिन संत से कभी इंतजार मत कराना। यदि यदि स्वर्ग जाना है तो आप सुनिए, संत लोगों का बड़ा सम्मेलन है, वो इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग भी किसी संत से कम नहीं हो, आपका जीवन जो गांव के गलियों में बीतता है वो उनकी तपस्या जो चाहे 12.5 लाख किसान की सूची बन के दूसरी किस्त में तैयार है। मैं खुद बैठ रहा हूँ मीटिंग में, 20 लाख और 12.5 लाख 32.5 लाख बचे हुए किसानों की तीसरी किस्त, ये 12.5 लाख का माफ होती तीसरी सूची अंतिम वो आ जाएगी। लोग तमाम तरह की बात कर रहे हैं, करें उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरे किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे। लोग जो लोग इसलिए 30 चुनाव में जीत जाए कि 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, 50,000 का 3 चुनाव जीत गए, अब वो हम पे प्रश्न उठा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे गांव में शर्म ईमान से जाके पूछ लो, लोगों का कर्जा माफ हुआ है? बोले भैया मारो तो हो रही, अरे छो नहीं हो तो सारा पड़ोसी को तो हो रो, अरे अपने पड़ोसी का हुआ ना, उसका क्राइटेरिया में आ गया आपका नाम आ रहा, और वो छुटे ही उसके बाद तीसरी सूची में आपका आ रहा है, उसके सामने रखना। मैं मुख्यमंत्री के पास अमृता पटेल जी को लेके
इन 5 वर्षों में मध्य प्रदेश की धरती पे आप मूर्त रूप लेते हुए देखोगे और कई मांगी तो आपके हाथों से पूरी करवाएंगे। जो लोग इस गांव के जीवन के प्राण हैं और उनकी जवाब जब एक जगह इकट्ठा हो जाए वहां पर स्वर्ग बच जाता उज्जैन से समय जगत रिपोर्ट।